Hello everyone, how are you all? Today's maths lecture and our today's topic is chapter 5 time. Time, time किस चीज से हम देखते हैं? Years, clock से देखते हैं. किससे देखते हैं? Clock से देखते हैं. तो आपने देखा ना ये इतने सारे clock बनी हुई हैं. अब किस तरह से हम time देखते हैं वो हम आज इसमें सीखेंगे. ठीक है, आपने अपने घर में clock देखा है ना, तो आपने देखा क्लॉक, क्लॉक में क्या क्या होता है. सबसे पहले तो उसमें नंबर रिटर्न होते हैं. कहां से कहां था? 1 to 12, 1 to 12 नंबर उसमें लिखे हुए होते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से 1 to 12 उसमें नंबर लिखे हुए होते हैं. और उसके टू हैंड्स होते हैं. एक्चुअली होते 3 हैंड से, सेकंड हैंड भी, बट अभी हम 2 हैंड से पूरा पूरा टाइम देखना सीखेंगे. ओके, ये शॉर्ट हैंड है. शॉर्ट मतलब छोटा. टू हैंड्स होती है इसमें. ठीक है, तो वो एक हैंड जो होता है वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है. ठीक है, शॉर्ट हैंड. एंड एक होता है लॉन्ग हैंड जो कि लंबा होता है. एक छोटा होता है, एक उससे थोड़ा बड़ा होता है. तो ये लंबा होता है, इसे हम मिनट हैंड कहते हैं. क्या कहते हैं? मिनट हैंड. ये हमको मिनट बताता है. और जो छोटा होता है वो आवर हैंड होता है. मीन्स ये घंटे बताता है. एक घंटा पूरा होता है तो फिर मूव करके वो आगे बढ़ जाता है. ठीक है, तो इसमें से हम टाइम देखना सीखेंगे. अब इस पे आंसर में क्या लिखा? 9 o'clock. मीन्स हम दो तरह से लिख सकते हैं, 9 o'clock या 9 2 डॉट करके, और इस तरह से 2 0 ऐड कर सकते हैं. अब 9 o'clock कैसे होते हैं, कैसे हमें देखना है कि जब भी शॉर्ट हैंड किसी भी डिजिट पर हो, कोई भी डिजिट पर हो, और लॉन्ग हैंड 12 पर हो. लॉन्ग हैंड का 12 पे होना जरूरी है. हमें देखना कि लॉन्ग हैंड 12 में है कि नहीं है, पूरा पूरा टाइम हमें देखना है. शॉर्ट हैंड है जैसे 9 डिजिट में, कौन से डिजिट पे है? 9 पे है. एंड लॉन्ग हैंड किस में है? 12 में है. तो कितना हुआ? 9 o'clock. अब यही जो शॉर्ट हैंड है, यदि 10 में होता और 12 में लॉन्ग हैंड होता तो 10 o'clock हो जाता है. ठीक है, शॉर्ट हैंड हमें देखना है कि किस हैंड में है. लॉन्ग हैंड तो ऑलवेज किस में होगा? 12 में हुई होगा, जब हम पूरा पूरा टाइम हुआ था. ठीक है, यदि शॉर्ट हैंड 3 में हो और लॉन्ग हैंड 12 में हो तो कितना हो जाएगा? 3 o'clock. यदि शॉर्ट हैंड 1 में हो और लॉन्ग हैंड 12 में हो तो कितना होगा? 1 o'clock. यदि शॉर्ट हैंड 4 में हो, ये वाला हैंड यदि 4 में हो और लॉन्ग हैंड मीन मिनट में हैंड जो है वो 12 में हो तो कितना होगा? 4 o'clock. हमें किसकी कंडीशन देखना है? शॉर्ट हैंड की, कि वो कौन से डिजिट पर है. और लॉन्ग हैंड तो ऑलवेज किसमें होगा? 12 में होगा. तो पूरा पूरा टाइम इसमें बताता है. ठीक है, शॉर्ट हैंड यदि 5 में हो तो लॉन्ग हैंड 12 में हो तो कितना होगा? 5 o'clock. तो शॉर्ट हैंड जिसमें है उतना उतना टाइम हमको पता चलेगा. ठीक है, अब हमें फॉर एग्जाम्पल 6 o'clock बजाना है. 6 o'clock कैसा होता है? दो हैंड होते हैं, हमें पता है. 6 o'clock हमें दिखाना है, शो करना है. तो शॉर्ट हैंड हम किसमें बनाएंगे? 6 में. एंड लॉन्ग हैंड किसमें होगा? 12 में. ठीक है, लॉन्ग हैंड किसमें हो जाएगा? 12 में. एंड शॉर्ट हैंड 6 में एंड लॉन्ग हैंड 12 में. तो कितना हो गया? 6 o'clock. 6 o'clock हम कैसे राइट करेंगे? या ऐसे लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 and 00. ओके, अब हमें इसमें कितना बनाना है? 7 o'clock. 7 o'clock लिखना है तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट हैंड किसमें बनाएंगे? 7 में. ठीक है, शॉर्ट हैंड में हम किसमें ड्रॉ कर देंगे? 7 में. और लॉन्ग हैंड 12 में. शॉर्ट हैंड 7 में एंड लॉन्ग हैंड 12 में. तो कितना हो गया? 7 o'clock. क्यों हुआ? क्योंकि शॉर्ट हैंड 7 में है. तो कितना हुआ? 7 o'clock. यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे? 7 o'clock एंड 7. इस तरह से भी हम राइट कर सकते हैं. अब यही क्लॉक आपको अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करना है. ओके, अब नोटबुक में आप कैसे बनाओगे, चलो मैं सिखाती हूँ. सो लेट्स ओपन योर नोटबुक. सो लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ क्लॉक्स. ओपन योर नोटबुक. नोटबुक ओपन करके इस तरह से चैप्टर 5 टाइम डालना है आपको. और नीचे से हम 4-4 बॉक्स लेते हैं. ठीक है, 1 2 3 4. 4 बॉक्स लिया तो यहाँ पर हमें 4 बॉक्स पे लाइन ड्रॉ कर देनी है. फिर 1 2 3 4, ये 4 बॉक्स से यहाँ नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है.
फिर 1 2 3 4 फोर वर्क्स पे हमें लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है एंड 1 2 3 4 इस तरह से फोर वर्क्स पे यहाँ लाइन कर देनी। तो ये आपका स्क्वायर शेप बन गया। कौन सा शेप? अब इसको इसमें आपको नंबर राइट करने हैं। अब यहाँ हमें 1 से 12 तक इस पर नंबर राइट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक होगा। अब कितने हैंड्स होते हैं क्लॉक में? 2 हैंड्स होते हैं। मान लो कि मंथ हमें यहाँ पे 10 ओ क्लॉक लिखना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? 10 ओ क्लॉक और 10 ओ क्लॉक हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 00। अब 10 ओ क्लॉक के लिए हमें क्या करना है? आपको क्या बताया था कि शॉर्ट हैंड आपको देखना है। आपको 10 बजाना है ना, तो शॉर्ट हैंड किस पे होगा? 2 हैंड्स होते हैं ना, तो शॉर्ट हैंड होगा 10 में। किस पे होगा? 10 में। और लॉन्ग हैंड मींस बड़ा हैंड, जो मिनट हैंड हम कहते हैं, वो किस पे होगा? 12 में। जब भी हमें पूरा पूरा टाइम दिखाना होता है तब हम इसमें क्या करेंगे? शॉर्ट हैंड हम 10 में लेंगे। 10 ओ क्लॉक लिखना तो 10 में लेंगे शॉर्ट हैंड, एंड लॉन्ग हैंड किस में होगा? 12 में होगा। नाउ नेक्स्ट वॉच भी आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, फोर फोर बॉक्स लेकर, और इसमें सब में नंबर राइट कर देना है। अब हमें 12 ओ क्लॉक ड्रॉ करना है। तो 2 हैंड्स होते हैं। अब 12 ओ क्लॉक ड्रॉ करने के लिए हमने अभी क्या बोला था कि जिस डिजिट पे हो शॉर्ट हैंड उस पे होगा, लॉन्ग हैंड मिनट हैंड जो होगा 12 में ही होगा। तो हमें 12 ओ क्लॉक ड्रॉ करना है, तो शॉर्ट हैंड भी हम 12 में ही बनाएंगे, ठीक है? 12 में शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड भी 12 में ही होगा। इस तरह से आपको डी डबल कर देना, तो 12 ओ क्लॉक हो गया। मीन्स शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड तो ऑलवेज 12 में ही होगा, और जिस डिजिट में मतलब हमें जितने भी बजाना, तो शॉर्ट हैंड हमें उस डिजिट में लिखना, पर हमें 12 ओ क्लॉक लिखना है तो दोनों हैंड्स किस में होंगे? 12 में होंगे। तो क्या हो जाएगा? 12 ओ क्लॉक। नाउ नेक्स्ट वॉच भी इस तरह से ड्रॉ करना है। इस पर हमें टाइम लिखा हुआ कितना लिखना है? 3 ओ क्लॉक। तो शॉर्ट हैंड हम किस में बनाएंगे? 3 में। शॉर्ट हैंड हमारा किस में बनेगा? 3 में। एंड लॉन्ग हैंड 12 में। ऑलवेज लॉन्ग हैंड किस में होगा? 12 में होगा। तो कितना हो गया? 3 ओ क्लॉक। अब इसमें हमें कितना टाइम दिखाना है, कितना टाइम शो करना है? 7 ओ क्लॉक। सो शॉर्ट हैंड किस में होगा? 7 में। शॉर्ट हैंड 7 में एंड लॉन्ग हैंड 12 में। इस तरह से आपको नोटबुक में सारी क्लॉक ड्रॉ करना। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।